हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हो कि बीएससी के एग्जाम की तैयारी हम कैसे करें। केवल 2 महीने अगर आपको एग्जाम को बचे हुए हैं, मतलब अगर आपके पास केवल 60 दिन बचे हुए हैं, तो इन 60 दिनों में आप एग्जाम की तैयारी जो है वो कैसे करोगे कि आपके 70 से 80% तक जो है वो मार्क्स आए। और अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, बीएससी को अगर आप लोगों ने बुक को खोल के भी नहीं देखा हुआ है, तो भी आप जो है वो अगर इस टिप्स को फॉलो करते हो तो आसानी से आप जो है वो एटलीस्ट पास जो है वो जरूर हो सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सारे टिप्स को आपको जो है वो अच्छे से फॉलो करना है। यहाँ पे मैंने बकायदा आप लोगों के लिए वॉच भी यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने टाइम को जो है वो कैसे मैनेज कर सकते हो, कितने दिन बचे हुए हैं, कितने डेट्स बचे हुए हैं, उसे आप जो है वो कैसे मैनेज करोगे। सारे चीजों के बारे में आज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आपके पास टोटल 24 घंटे का समय होता है एक दिन में। तो अगर आपको अच्छे से बीएससी के एग्जाम की तैयारी करना है तो एटलीस्ट आपको 9 से 10 घंटे की पढ़ाई जो है वो करना होगा। वो आप कैसे करोगे मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि मैथ्स और बायोलॉजी दोनों स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ। अगर मैथ्स के स्टूडेंट है तो उनके पास जो है वो ये सब्जेक्ट होता है, जैसे कि आप देख रहे हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश। और बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनके पास केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और हिंदी इंग्लिश जो है वो होता है। अब आपको यहाँ पे अपना टाइम को जो है वो मैनेज करना है। जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा हार्ड लगते हैं या जिन सब्जेक्ट की तैयारी आपकी नहीं हुई है या जिनका सिलेबस जो है वो आपको थोड़ा सा ज्यादा लगता है, उसको आपको जो है वो ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। और जिनकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है या जिनका सिलेबस जो है वो कम है, उनको आपको थोड़ा सा कम टाइम देना होगा। जैसे कि अगर हम मैथ्स के स्टूडेंट की बात करें तो उनके लिए सबसे टफ सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स ही होता है, मतलब उनमें जो है वो सिलेबस ज्यादा होता है। आप फिजिक्स को भी इसके जगह जो है वो रख सकते हो। और बायोलॉजी के स्टूडेंट की बात करें तो केमिस्ट्री में थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस होता है, जूलॉजी बॉटनी थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो जैसे कि अगर आपके पास मैथ्स है तो उसे आपको जो है वो 4 घंटे का टाइम एटलीस्ट देना होगा। जी हाँ, अगर आपके एग्जाम को केवल 2 महीने बचे, अगर आपके पास और टाइम नहीं है, एटलीस्ट आपको दिन में 4 घंटे जो है वो मैथ्स के लिए टाइम जो है वो निकालना होगा। और बायोलॉजी के स्टूडेंट को जो है वो केमिस्ट्री के लिए एटलीस्ट 4 घंटे का समय जो है वो निकालना होगा। फिजिक्स को जो है वो आप 3 घंटे का समय दे सकते हो, केमिस्ट्री को जो है वो आप 2 घंटे का समय दे सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एक दिन में जो है वो आपको इन सब्जेक्ट को जो है वो कौन कौन से समय जो है वो पढ़ना चाहिए। तो अगर हम जैसे मान लीजिए आप सुबह 6 बजे उठते हो, कुछ स्टूडेंट जो है वो 4-5 बजे भी उठ जाते हैं, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट की अगर हम बात करें, अगर वो 6 बजे भी उठते हैं तो 6 बजे से 8 बजे तक आपका जो भी काम है वो जो है वो एटलीस्ट कम्प्लीट हो जाता है, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट वगैरह सारा चीज आपको 8 बजे तक जो है वो कम्प्लीट करना है। और आपको जो है वो कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जिसमें आपको 3 घंटे का टाइम देना हो। जैसे कि आप जो है वो सुबह 3 घंटे का टाइम समय देकर के फिजिक्स को जो है वो कम्प्लीट कर सकते हो, और यहाँ पे जो है वो आप जूलॉजी को जो है वो पढ़ सकते हो। मतलब सुबह जो है वो आपके पास 3 घंटे का आराम से जो है वो टाइम होता है। आप 8 बजे से लेकर के सुबह के 11 बजे तक आराम से फिजिक्स की तैयारी कर सकते हो या आप जो है वो जूलॉजी की तैयारी कर सकते हो, और 11 से 12 जो है वो आप अपना लंच ले सकते हो। ये तो हुआ आपके मॉर्निंग का टाइम। तो यहाँ पे कोई भी आपको ज्यादा एकदम ज्यादा वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं हुआ, आपका काम भी आसानी से हो गया और आपके 3 आवर वाले जो भी सब्जेक्ट है उनकी भी तैयारी आपकी आराम से यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करते हैं 12 बजे से लेकर के 6 बजे तक, मतलब दोपहर से लेकर के आपके शाम तक। तो यहाँ पे आपको जो है वो ऐसे सब्जेक्ट को टाइम देना होगा जो थोड़ा सा ज्यादा जिसको थोड़ा सा आपको ज्यादा हार्ड लगता है, जिसको ज्यादा टाइम देना होगा। तो यहाँ पे आप मैथ्स को टाइम दे सकते हो और बायोलॉजी वाले आप केमिस्ट्री को जो है वो 4 घंटे का टाइम जो है वो आप दोपहर में दे सकते हो, क्योंकि दोपहर का टाइम ऐसे होता है जिसमें आप ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होते, उतना काम भी आपका नहीं होता है। तो आप आराम से 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक जो है वो कंटिन्यू जो है वो आप यहाँ पे मैथ्स को टाइम दे सकते हो। पढ़ते वक्त जो है वो आप 5-5, 10-10 मिनट का ब्रेक जरूर लें, ऐसे में आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पे आप जो है वो 12 बजे से 4 बजे तक जो है वो आप मैथ्स की तैयारी जरूर करें, और यहाँ पे आप जो है वो बायोलॉजी वाले आप केमिस्ट्री की तैयारी जो है वो कर सकते हो। उसके बाद 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक अगर आप शाम को कहीं घूमना चाहो, मतलब आई थिंक आपको घूमने जाना ही चाहिए शाम को, थोड़ा सा आप अपना माइंड फ्रेश जरूर करें। उसके बाद अगर जैसे 6 बज जाता है तो उसके बाद आपका 2 घंटे वाला सब्जेक्ट कौन सा हुआ, जैसे कि आप मैथ्स वाले तो केमिस्ट्री को आप 2 घंटे का समय दे सकते हो, आप बॉटनी को 2 घंटे का समय दे सकते हो। तो 6 बजे से 8 बजे तक जो है वो आप 2 आवर वाला सब्जेक्ट जो है वो पढ़ सकते हो। उसके बाद 8 बजे से 9 बजे तक जो है वो आप अपना डिनर कर सकते हो,
या आप जैसे भी आप अपना डिनर करते हो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम थोड़ा सा मैनेज कर लें। 8 बजे आपको डिनर कर लेना चाहिए, ज्यादा रात में भी आपको नहीं खाना चाहिए। तो 8 से 9 के बीच जो है वो अपना डिनर कर लें, उसके बाद जो है वो 9 से 10 आप जो है वो 1 घंटे का जो समय है उसमें एक दिन हिंदी एक दिन इंग्लिश जो है वो पढ़ें। ये नहीं बोल रही हूँ कि आधा घंटा हिंदी पढ़ो आधा घंटा इंग्लिश, ऐसे इसमें जो है वो कुछ भी नहीं होगा। आप अल्टरनेटिव डे से पढ़े, एक दिन हिंदी पढ़े एक दिन इंग्लिश पढ़े, क्योंकि देखिए हिंदी इंग्लिश भी जो है वो आपके स्कोर को जो है वो गेन करने के लिए काफी अच्छा सब्जेक्ट होता है। अगर आप हिंदी इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाते हो तो आपका जो परसेंट है वो काफी अच्छा आ सकता है। तो इसे एटलीस्ट 1 आवर का टाइम जो है वो जरूर दें। अगर आपके एग्जाम को केवल 2 महीने ही बचे हुए, बाकी साल भर तो आई नो आप लोगों ने हिंदी इंग्लिश को नहीं पढ़ा हुआ है, तो अब अगर 2 ही महीने बचे हैं एग्जाम को तो हिंदी इंग्लिश की तैयारी भी जो है वो आप 9 से 10 जो है वो जरूर करें। 10 से 11 आप जो है वो अपने सोशल मीडिया को जो है वो टाइम दे सकते हो, जो भी इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जो भी चलाना है आप 10 से 11 एटलीस्ट जो है वो चला सकते हो। उसके बाद 11 बजे जो है वो आपको सो जाना चाहिए, क्योंकि 11 से 6 के बीच जो है वो आपको 7 घंटे का एटलीस्ट, अगर आप स्टूडेंट हो 6 से 7 घंटे का नींद जो है वो आपको लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं सोएंगे तो मतलब आप ठीक से जो है वो याद नहीं कर पाएंगे, जो भी याद करोगे वो आप भूलने के जो है वो चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए आपको अच्छे से सोना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए आप 10 घंटे की भी पढ़ाई कर रहे हो, आपके नींद में भी कोई कमी यहाँ पे जो है वो मैंने उस समय से मतलब उस टाइप से टाइम मैनेज नहीं किया हुआ है कि आपके नींद को जो जरा से भी यहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस हो, नींद भी आपकी अच्छे से हो जाएगी और 10 घंटे की पढ़ाई भी आपकी जो है वो आराम से हो जाएगी। ये तो टिप नंबर 1 था कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ाई किया हुआ है, पहले से आप पढ़ रहे हो, तो इन टाइम को आप थोड़ा सा कम कर सकते हो। जैसे कि मैथ्स को आप 3 घंटे का समय दे सकते हो, फिजिक्स को 2 घंटे का, केमिस्ट्री को 1 घंटे का, और अगर आप हिंदी इंग्लिश पढ़ चुके हो तो डायरेक्ट एग्जाम के दिन भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो एटलीस्ट इतने इतने घंटे तो आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि आप खुद ही देख चुके हो कितना सारा सिलेबस है। ये तो हुआ टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद कुछ टिप्स मैं यहाँ पे आप लोगों को देना चाहती हूँ। थोड़ा सा सोशल मीडिया का उपयोग जो है वो कम करें। आप सुबह के आधा 1 घंटा आप चला सकते हो और रात में सोने से पहले 1-2 घंटा चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिन भर अगर आप सोशल मीडिया में बिजी हो तो वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि अगर अचानक से एग्जाम डेट आ गया तो फिर मुश्किल थोड़ा सा हो सकता है। इसलिए अभी से आदत डालिए कि थोड़ा सा सोशल मीडिया से आप थोड़ा सा दूर रहें। नींद पूरी ले, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही है, नींद आप कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जो है वो जरूर ले। भले एग्जाम के दिन जो है वो रात रात भर जग के पढ़ लेना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम अभी एग्जाम के पहले तक तो आप अच्छे से सो जाइए, ताकि एग्जाम के लिए आप जो है वो आपका हेल्थ जो है वो ठीक रहे। हर सब्जेक्ट के बाद 10 मिनट का ब्रेक जरूर ले, वो तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। थोड़ा बहुत ब्रेक लेना ही है, अगर आप पढ़ पढ़ के बहुत थक गए हो तो 5-10 मिनट का ब्रेक चलता है। ऐसा नहीं कि आधे आधे घंटे का ब्रेक ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। 4 घंटे है मतलब 4 घंटे एटलीस्ट आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको पढ़ाई करना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक चीज और इंक्लूड किया है, टेबल चेयर में पढ़े। जी हाँ, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो जमीन में बैठ कर पढ़ाई करते हैं वो ठीक है, लेकिन कंटिन्यू अगर आप जमीन में बैठ कर पढ़ाई करते हो तो कमर में दर्द होने के चांसेस रहते हैं और उतना माइंड जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है। कोशिश करें आप एक टेबल चेयर जो है वो ले लें, कैसा भी टेबल चेयर हो उसमें आप अच्छे से कंफर्टेबल होके पढ़े। जहां पे भी आप पढ़ रहे हो उसका इन्वायरमेंट थोड़ा सा अच्छा रहे, ऐसे नहीं कि एकदम बारात निकल रहा है वहां पे आप बैठ के पढ़ रहे हो, वो चीज अच्छा नहीं है। मतलब शांत वातावरण हो वहां पे आप पढ़े, बच्चों लोग का शोरगुल जो है वो थोड़ा सा कम हो, ऐसी जगह को आप चुने। हो सके तो अपने लिए एक कमरा वो करें जहां पे कोई आपको डिस्टर्बेंस जो है वो आपको डिस्टर्ब ना हो, तो शांत वातावरण में जो है वो पढ़ने की कोशिश करें। हेल्दी डाइट लें, मतलब अगर आप कंटिन्यू बाहर का खाना खा रहे हैं तो उसे थोड़ा सा अवॉइड करें। अच्छे से खाना खाओगे तो आपकी याददाश्त करने की जो पावर है, मतलब जो आपकी याददाश्त करने की जो क्षमता है वो अच्छी होगी। हो सके तो जितना ज्यादा हरा साग भाजी है वो अपने घर में जो आपका खाना बन रहा है उसे आप लेने की कोशिश करें, आपका ब्रेन भी अच्छे से काम करेगा। और काफी सारे स्टूडेंट को भूलने की बीमारी होती है, काफी कुछ चीज जो है वो भूल जाते हैं, तो इसका यही कारण है कि आप अच्छे से डाइट नहीं लेते हो, इस कारण जो है वो आपको कुछ कुछ चीज जो है वो याद नहीं होता है। याद होता है फिर भी कुछ दिन बाद जो है वो आप भूल जाते हो, तो एटलीस्ट एग्जाम तक जो है वो बाहर का ज्यादा खाना पीना बंद करें, उससे जो है वो आप बीमार होने के भी चांसेस होते हैं। तो जरूरी यही है कि आप घर का खाना खाएं, सुबह 1/2 घंटा टहले, एक्सरसाइज करें। सुबह कम से कम 1/2 घंटे आपको एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहता है। ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा है तो आपके बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई होता है,
ब्रेन को अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन अगर ब्रेन को अच्छा मिलता है तो आपको याददाश्त करने की जो याददाश्त की जो क्षमता है वो आपकी जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। पानी अच्छे से पिए, 2 से 3 लीटर जो है वो आपको पानी जरूर पीना चाहिए। तो ये तो कुछ टिप्स था, अब चलिए हम टिप्स नंबर 2 जो है वो देख लेते हैं। स्टूडेंट हो जो पिछले मतलब पूरे साल भर पढ़े नहीं हो, अगर आपको सिर्फ 2 ही महीने में आपको जैसे तैसे करके पास होना है, अच्छे मार्क्स लाना है, या फिर जिनकी तैयारी हो गई है उनके लिए भी ये टिप्स है, 5 से 6 साल के पुराने क्वेश्चन पेपर की जो है वो तैयारी करें। पिछले 5 से 6 साल में आपको 40 क्वेश्चन तो जो है वो जरूर मिलेंगे हर सब्जेक्ट से, तो अगर आप 40 क्वेश्चन की भी अच्छे से तैयारी करते हो तो एटलीस्ट आप पास जरूर हो जाओगे। और जिनकी तैयारी हो चुकी है, आप ये IMP क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपके काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। IMP क्वेश्चन को जरूर देखें, मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन बताया हुआ है, आप तैयारी कर रहे हो अपने से वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो मैं आप लोगों को IMP क्वेश्चन बताई हूँ उसे जरूर पढ़ के जाएं, उसमें से आने के जो है वो काफी सारे चांसेस हैं, क्योंकि मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं वो पिछले 5 से 6 सालों के जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है वही मैंने बताए हुए हैं। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप अनसॉल्व से जो है वो तैयारी कर सकते हैं, वहां पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काफी सारे जो है वो मिल जाएंगे। टिप नंबर 3 है रिविजन जरूर करें, अपने डेट को जो है वो मैनेज करें, टाइम को मैनेज करें, और टाइम टू टाइम जो है वो रिविजन जरूर करें, जैसे कि एक यूनिट कम्प्लीट होता है उसके बाद थोड़ा सा रिवाइज कर लें उसे। टिप नंबर 4 है कोई टॉपिक प्रिपेयर होने के बाद दूसरे को एक्सप्लेन करें, जैसे आपका कोई फ्रेंड है वो बहुत ज्यादा वीक है, मतलब वो पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर है, तो ऐसा मत समझिए कि मैं उसे बताऊंगी तो वो मेरे से ज्यादा मार्क्स ले आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अपने ज्ञान को जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, तो अगर आपकी कोई भी टॉपिक की तैयारी हो जाती है, कोई यूनिट आपको अच्छे समझ में आ गया है, कोशिश करें अपने अपने फ्रेंड की जो है वो हेल्प करें, क्योंकि अगर आप अपने फ्रेंड को समझाते हो तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ लाइफ टाइम जो है वो आप उस टॉपिक को जो है वो नहीं भूल सकते हो, क्योंकि जब आप उसे समझाए रहोगे तो आपको वो चीज जो है वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है तो घर में कोई भी सदस्य होगा, कोई भी सदस्य, उसे बैठाए, अगर वो समझ में आता है नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, उसे बैठ करके उस टॉपिक को समझाए। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी टॉपिक याद किया हो, अगर आपके घर में कोई सदस्य नहीं भी है समझने लायक तो अपने आप को समझाए, मतलब खुद के लिए टीचर बन जाए और ये समझिए कि मैं किसी को समझा रहा हूँ, मतलब प्रिपरेशन करने के बाद जो है वो टॉपिक को दूसरे को समझाए, ये आपके लिए जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब आपको टाइम मैनेज और डेट मैनेज जो है वो कैसे करोगे ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। मान लीजिए आपके पास केवल 2 महीने का समय बचा हुआ है, मतलब 60 दिन का आपके पास समय बचा हुआ है, 60 डेज का समय बचा हुआ है, तो अगर आप देखें आपके पास टोटल 9 सब्जेक्ट जो है वो होते हैं, मतलब 9 सब्जेक्ट हैं, जैसा कि आप देख रहे हो मैथ्स में 3 पार्ट है, फिजिक्स में 3 पार्ट है, केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, हिंदी इंग्लिश है, जूलॉजी बॉटनी के लिए भी आप देख सकते हो, तो ऐसा ऐसा करके 9 से 10 सब्जेक्ट तो आपके जो है वो हो ही जाते हैं। तो अगर मैंने कैलकुलेट किया हुआ है कि आपके एक दिन में केवल 1 यूनिट पढ़ने का टाइम बचा हुआ है, मतलब अगर आप 60 डेज को इन 9 सब्जेक्ट से डिवाइड करोगे, 5-5 यूनिट सब में, हर सब्जेक्ट में जो है वो 5-5 यूनिट होते हैं, तो अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके हर दिन के लिए एक यूनिट का समय जो है वो बचा हुआ है, मतलब अगर आप मैथ्स के लिए 4 आवर का टाइम निकालते हो तो एटलीस्ट आपको उसमें 1 यूनिट जो है वो कम्प्लीट कैसे भी करके करना ही होगा। कोशिश करो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, सारा चीज पढ़ने के चक्कर में मत रहो, क्योंकि अगर आप सारी चीजों को पढ़ोगे आपके पास टाइम नहीं है तो आपके भूलने के चांसेस ज्यादा है, तो जितना आपसे हो रहा है उतना ही करें, मतलब जितना कर रहे हो उसी को अच्छे से करो, पूरा बुक पढ़ने के लिए उतना अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मत पढ़ो, जो इम्पोर्टेंट है जो अनसॉल्व पेपर है उससे पढ़ो, बट कोशिश करो कि एक दिन में आपके हर सब्जेक्ट का 1-1 यूनिट जो है वो कम्प्लीट हो जाए, तभी आपका 2 मंथ में जो है वो पूरा सिलेबस कम्प्लीट होगा। और जब तक आप 9 से 10 घंटे नहीं पढ़ोगे गाइस आपका सिलेबस जो है वो कम्प्लीट होने के चांसेस बहुत कम है, तो अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। साल भर आप लोगों ने खूब मस्ती किया हुआ है लेकिन अब एग्जाम को केवल 2 महीने का समय बचा हुआ है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा, फिर आपको तो अगले मतलब इतना आई थिंक इतना डिस्कशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।